हेलो ट्रेडर्स वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रैटी लेके आया हूँ आजकल के टाइम में आपने देखा होगा कि अक्सर मार्केट में ज़्यादा देर तक अगर होल्ड करने की बात आती है तो बहुत लोग वहाँ पर होल्ड नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर आप खास करके प्रॉफिट में अगर आप लॉस में जाते हैं तो लोग बहुत देर तक होल्ड कर लेते हैं हाँ चलो ये इस आस में कर लेते हैं कि ये रिकवर करके मुझे लॉसेस कम कर देगा या फिर मुझे प्रॉफिट में ला देगा या फिर मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट ला देगा ठीक है तो मेन जो यहाँ पे इशूज आते हैं वो आते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी या फिर यहाँ पे साइकोलॉजी प्रॉब्लम या फिर माइंडसेट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ट्रेड लेने के टाइम जहाँ पे मार्केट में ट्रेड को राइड किया जा सकता है तो ऐसे में सिर्फ एक ही चीज़ें नज़र आती है जो है स्काल्पिंग तो आज मैं स्कॉल्पिंग ही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ले आया हूं और इस स्ट्रेटजी में खूबसूरती यह है कि यह स्ट्रैटी डायरेक्ट इंडेक्स पे नहीं लग के जिस ऑप्शन में आप काम करते हैं जिस ऑप्शन में चाहे वो बैंक निफ्टी का ऑप्शन हो निफ्टी का ऑप्शन हो किसी भी सेंसेक्स का हो बैंकस का हो या फिर फिन निफ्टी का हो अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं तो ये स्ट्रैटी डायरेक्टली आप ऑप्शन पे लगा सकते हैं आपको इंडेक्स को देखने की ज़रूरत नहीं है कि इंडेक्स का मोमेंटम क्या हो रहा है और ऑप्शन का मोमेंटम का क्या हो रहा है इतने ज़्यादा आपको टाइम इंगेज नहीं करना है तो सबसे खूबसूरत पार्ट जो स्ट्रैटी का है वो डायरेक्ट आपको ऑप्शन में देखना है अब देखिए इस स्ट्रैटी का जो टाइम फ्रेम रहेगा ऑलवेज मैंने जो कंसीडर किया है वो वन मिनट किया है ठीक है अब वन मिनट एस्काल्पिंग अगर है तो एक्सकाल्पिंग अगर आप वन मिनट में देखते हैं तो आपका अपॉर्चुनिटी इसमें ट्रेड मिलने का अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा होता है टाइम अगर आप ज्यादा जैसे कि पांच मिनट तीन मिनट या फिर इससे ज्यादा कोई टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं तो इसमें बहुत देर आपको वेट करना पड़ेगा फिर कोई एस्काल्पिंग का मीनिंग नहीं रह जाता है तो इसीलिए टाइम फ्रेम हम लोग वन मिनट इसमें यूज करेंगे और स्ट्रेटजी का कमाल देखिए वन मिनट में भी जब ये ट्रिगर हो गया तो गाइड ये राइड करने के लिए आपको देगा और साथ में आपको पोटेंशियल एक मोमेंटम भी बना रहेगा जहां से आपको ये भी इंडिकेशन स्ट्रैटी में मिलता रहेगा कि हमको एग्जिट नहीं करना है मतलब कहां पे करना है, वो भी बताएगा और कहां पर ट्रेल करना है वो भी बताएगा और कहां पर एंट्री करनी है तो एंट्री करने के साथ स्टॉप लॉस क्या होगा ये सब कुछ एंट्री के साथ ही डिसाइड हो जाएगा और टारगेट क्या रहेगा वो भी आपको बता देगा तो स्ट्रेटजी का मेन पार्ट ये है और गाई ये एक एडवांस वर्जन स्ट्रैटजी मैंने इस स्ट्रैटी को एडवांस वर्जन किया है क्योंकि यूट्यूब पे आपको जितने भी स्ट्रैटी मिलेगा इस टाइप के जो मैं स्ट्रैटी आज बताने वाला हूं ये स्ट्रैटजी आपको एडवांस वर्जन नहीं मिलेगा उसमें जो चीज़ें मैं करेक्ट किया हूं जो चीज़ें मैं आज बताने वाला हूं वो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैंने जो जो चीज़ें करके देखा है मैंने जो चीज़ें मार्केट से एक्सपीरियंस किया है जो मैंने प्रैक्टिस किया हूं जो मैंने गलतियां किया है उन सबका निचोड़ जो बोल सकता

कैसे फॉर्मेशन करने के बाद हमारा बाइंग वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है बाइंग एग्जीक्यूट करने के बाद प्लेस कौन सा होता है जहाँ पे ये फॉर्मेशन होगा तो मैं वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि चार्ट में भी देखिए दो लाइन आपको दिख रहा होगा अब ये दो लाइन जो है स्ट्रैटी फुल्ली डिपेंडेंट है EMA के बेस पे आपने देखा होगा बहुत सारे इंडिकेटर देखा होगा लेकिन EMA का मतलब आपने ऑलरेडी बहुत लोग जानते होंगे लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ठीक है यही एक ऐसा इंडिकेटर है जो मार्केट में अभी मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट हंड्रेड ठीक है ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट काम करता है जो कि एक बार भी आपको फेक सिग्नल नहीं देगा ऑलवेज राइट सिग्नल देगा और बहुत शानदार टारगेट देगा तो इस पैटर्न से भी आप देख लीजिए जब यहां पे ट्रिगर होता है तो कितना देर राइड कर सकते हैं जब सेल में ट्रिगर होता है तो कितना देर राइड कर सकते हैं मार्केट आपको खुद बताएगा इंडिकेटर आपको खुद बताएगा लेकिन हम लोग को पहले स्टेप जानना है कि कैसे इसमें सिग्नल मिलता है ठीक है तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को पैटर्न देखिए क्या होता है जैसे मान के चलिए कि साइडवेज मार्केट अगर होता है तो इंडिकेटर आपको खुद बता देगा कि मार्केट अभी साइडवेज है वो कैसे पता चलेगा अब देखिए यहां पे दो ई है एक है नाइन ई और एक है ये वाला ट्वेंटी ई एम ए ठीक है तो हम लोग इसी दोनों के बेस पे काम करने वाले हैं एक नाइन ई एम ए एक ट्वेंटी ई एम ए अब बहुत लोग इसका नाम सुना होगा और चला जाएगा लेकिन मैं जो जो चीज़ें मैं बताया हूँ मैं एक जेनविन ट्रेडर हूँ मैं जो खुद करता हूँ वही चीज़ें बताता हूँ मैं चाहता तो इस स्ट्रैटजी को बहुत पहले भी कॉपी कर लेता यूट्यूब पर देख के आपको बता देता लेकिन मैं आज बता रहा हूँ इतने दिन होने के बाद क्यों इसके पीछे रीज़न होगा ना मैं खुद देखा हूँ मैं ट्रेड करके देखा हूँ क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए इसलिए तो एडवांस वर्जन नाम रखा है एडवांस वर्जन क्या है वो मैं वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा और वही चीजें आपकी जिंदगी को सवार देगा गए मतलब आप प्रोफिटेबल हो जाएंगे इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी को नहीं देखना है आज के बाद स्ट्रेटजी सर्च करना आप यूट्यूब पे बंद कर दोगे ठीक है अब देखिए मैं यहां पे टॉपिक पे था कि तीन तरीका से मार्केट ट्रेंडिंग होता है सबसे पहले एक साइडवेज होगा तो आपको ये दोनों ई एम जो है नाइन और ट्वेंटी ये दोनों आसपास पास ही मतलब इसी के आसपास इस तरीका से ओवरलेप करते हुए चलेगा ओवरलेप करने का मतलब कि एक दूसरे के आसपास ही चलना अगर मान के चलो कि मार्केट ट्रेंडिंग हो गया मान के चलो कि मार्केट ऐसे बुलिस हो गया अप साइड में जाने लगा तो आपको एक तो यहाँ पे ये दो लाइन है देखिए एक रेड वाली एक ब्रेक वाली इसमें एक नाइन वाला है एक ट्वेंटी वाला है दोनों को अभी हम लोग समझेंगे पहले हम लोग यहां पे देख लेते हैं कैसे मार्केट ट्रेंडिंग होता है एक लाइन मान के चलो ऐसे जा रहा है ट्रेंडिंग तो दूसरा जो है इसके आसपास ही ऐसे थोड़ा सा गैप बना के इस तरीका से जाएगा ठीक है लेकिन दोनों क्या होगा एक साथ ही अपसाइड इस तरीका से जाएगा लेकिन अगर आपस में एक दूसरे के नियर ही इस तरीका से ऑफर करते हुए चलता है तो इसका मतलब साइडवेज मार्केट इंडिकेशन हो रहा है अगर मार्केट में इस तरीका से ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस में ऐसे जा रहा है एक डायरेक्शन में इसका मतलब होता है कि मार्केट डुलिस इंडिकेशन दे रहा है और अगर मार्केट यहां पे एक इस तरीका से जा रहा है और दूसरा जो है इसके थोड़ा सा ऊपर होते हुए ऐसे गिर रहा है ठीक है मतलब जा रहा है दोनों डाउन साइड में ही लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस में इस तरीका से जा रहा है तो जैसे ये वाला गैप जो है ना बढ़ता चला जाएगा इस तरीका से बढ़ता चला जाएगा मतलब मार्केट जो है उतना ज्यादा बुलिस होगा इसी तरीका से ये वाला गैप जो है ना यहाँ पे जितना ज्यादा बढ़ेगा ठीक है उतना ज्यादा मार्केट यहाँ पे बेरिस होगा लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे आमने सामने जाएगा तो यहाँ पे गैप भी नहीं बन रहा है और मार्केट एक दूसरे को दोनों लाइन जो है ओवरलेप कर रहा है ठीक है है तो अब सवाल आता है कि जो हम लोग ट्रेड करेंगे यहां पे दो ही कंडीशन में हम लोग ट्रेड करेंगे जब भी मार्केट साइडवेज होगा तो हमको अवॉइड कर देना ट्रेड करना ही नहीं है वन मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा ट्रेड करने के लिए अब जब भी मार्केट अपसाइड में मोमेंटम करता है मतलब ट्रेंडिंग अप होता है ये वाली गैप भी आपको बड़ा बड़ा देखने को मिलता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे अपसाइड के लिए और जब भी मार्केट इस तरीका से गैप बनाते हुए डाउन साइड में जाएगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे डाउन साइड में ठीक है दोनों ई को हम लोग यहाँ पर मतलब डिनोट किए हैं और आपको बताए हैं कि किस तरीका से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं हम लोग दो ही कंडीशन में ट्रेड करेंगे जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा या फिर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा साइड मार्केट में हम लोग ट्रेड को अवॉइड करेंगे अब जब ट्रेड हम लोग को पता चल गया कि किस कंडीशन में करना है तो ट्रेड करे कैसे मतलब क्या सेटअप है अब हम लोग सेटअप को समझते हैं कि सेटअप क्या है ठीक है बहुत लोग यहाँ पे यह भी सोच रहा होगा कि सेटअप किस तरीका से होगा अब मैं सेटअप बताऊंगा और उसके बाद देखने के साथ ही भाग जाएगा भाग जाओगे तो ये आपकी गलती है मैं तो बोल दिया कि आप लास्ट तक देखो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अगर पाँच दस पंद्रह मिनट वीडियो को देखने में आप नहीं दे सकते तो क्या उम्मीद है कि यह लाइफ टाइम तक आप यूज कर सकते हो आप आज देखो कल ही फेल कर हो जाओगे एक स्टॉप लॉस होगा डिमोटिवेट हो जाओगे कम से कम पूरा देख तो लो कि यूज कैसे करना है अब जो सेटअप है वो ट्रेंडिंग मार्केट अपसाइड मान के चलो पहला केस लेते हैं फर्स्ट केस में कि अगर मार्केट का ट्रेंडिंग जो है यहां पे अपसाइड है मतलब दोनों ई एम इस तरीका से अपसाइड में बनाते हुए जा रहा है ठीक है ऐसे करके तो हम लोग यहां पे क्या देखेंगे सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमारा दो ई जो है इस तरीका से बन रहा है मान के चलो एक ई ऐसे जा रहा है दूसरा ईएमए इसी के नियर ऐसे जा रहा है ठीक है तो यहां पर जो कैंडल बनेगा वो कैंडल हमको कहीं ना कहीं इधर ब्रेकआउट ऐसे करते हुए दिखेगा फिर ऐसे मार्केट में ये कैंडल बनेगा फिर इस तरीका से कैंडल बनेगा ऐसे करके जस्ट एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं ऐसा कैंडल बनते जाएगा फिर यहां पर मान के चलो ये ग्रीन कैंडल तीन कैंडल बन गया फिर एक रेड कैंडल बनेगा इस तरीका से और इसमें सब में एक साइडो इस तरीका से लगा हुआ है और जैसे मार्केट दो से तीन कैंडल चार कैंडल यहाँ पे ये वाली ई एम ए लाइन चाहे जो ई एम ए लाइन है इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे बनते हो बन बन रहा है टच कर रहा है नहीं कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है मतलब इसके नियर बुलिस कैंडल बन रहा है ग्रीन कैंडल बन रहा है तो इसके बाद एक रेड कैंडल यहाँ पे जरूर बनेगा क्योंकि वन मिनट टाइम फ्रेम है अब ऐसा है नहीं कि पांच मिनट है तो बड़ा ग्रीन कैंडल ही बना देगा तो वन मिनट है तो यहाँ पे रेड कैंडल भी जरूर मिलेगा अब रेड कैंडल जब बन गया यहां से हमको इस ई से रिजेक्शन देखने को मिल जाता है रेड कैंडल के द्वारा और रेड कैंडल के बाद कोई भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन अगेन करता है तो यही वाला ग्रीन कैंडल के ऊपर हमारा एंट्री हो जाएगा यही वाला ये जो पहले रेड कैंडल बना था जो रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बना है इसके पहले जो ये रेड कैंडल बना है रेड कैंडल के नीचे ही ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा बस इस रेड कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा ये जो ग्रीन कैंडल कंप्लीट हो गया इसके बाद इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हमारा एंट्री हो जाएगा अब टारगेट देखो कहां लेना है टारगेट वहाँ तक लेना है जहाँ तक कि ये दोनों ई एम ए अपने आप को यहाँ पे दूर करते हुए जाता हो कैंडल यहाँ पे बनता हुआ जाता हो और जब तक कि मार्केट यहाँ पे अगेन या तो इस ई एम ए के नीचे क्लोज कर दे या फिर यहाँ पे कभी ना कभी मार्केट ऐसे क्लोज करके रेड कैंडल बना दे तो हमको यहाँ पे एग्जिट ले लेना है ये सेटअप मैंने बताया आपको बाय साइड के लिए अब हम लोग केस टू लेते हैं दूसरा केस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सेल साइड के लिए हम लोग कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं ठीक है अब दूसरा केस में लेते हैं हम लोग सेल साइड को सेल साइड के सेटअप को अब देखो सेल साइड के सेटअप को हम लोग किस तरीका से यहां पे देख सकते हैं क्योंकि सेटअप जो है जब तक बनेगा नहीं तब तक हम लोग यहाँ पे उसको यूज नहीं करेंगे तब तक हम लोग अवॉइड ही करना है तो सेल साइड के साइड के सेटअप के लिए भी हम लोग को पहले ई को देखना है ई कैसा रहेगा ई मान के चलो एक ऐसा ई है और दूसरा जो है इसी के नियर इस तरीका से दोनों जा रहा है मतलब दोनों के बीच में गैप जो है ना वो इस तरीका से बढ़ता हुआ चला जा रहा है इसका मतलब होता है कि ई एम पे अब सिग्नल दे दिया है मार्केट डाउन साइड में जाने वाला अब यहां पे कोई ना कोई रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल इस तरीका से मार्केट है रन करता हुआ यहां पे जाएगा इस तरीका से जाता हुआ चला जाएगा यहां पे कोई ग्रीन कैंडल भी बन गया यहां पे फिर रेड कैंडल बन गया यहां पे फिर ग्रीन कैंडल बन गया ठीक है तो जब भी यहां पे रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल बन रहा है तो गाइस इस कंडीशन में हमको ग्रीन कैंडल का वेट करना पड़ेगा कोई ग्रीन कैंडल यहां पे बन गया ठीक है अब जैसे ग्रीन कैंडल बन गया ये कैंडल होता है हमारा अलर्ट कैंडल जैसे उसमें रेड कैंडल अप साइड के लिए रेड कैंडल बन गया वो होता है अलर्ट कैंडल और उसके बाद ग्रीन कैंडल के हाई पे बाय करते हैं ना ये बाय के लिए मैंने बताया था इसी तरीका से सेल साइड के लिए पहले अगर यहां पे कोई ग्रीन कैंडल बनता है मतलब दो चार पांच कैंडल कोई भी कैंडल बने कोई भी कलर हो कैंडल का मैटर नहीं करता है सिर्फ ई के नीचे बने या फिर यहां पे टच करे ई दोनों डिफरेंस में रहे बस ये कंडीशन मैच करना चाहिए और इसके बाद यहां पे दो चार पाँच कैंडल बनने के बाद वन मिनट वाला हमको ग्रीन कैंडल का वेट करना है सेल साइड के लिए जैसे ग्रीन कैंडल बन गया ये एक अलर्ट कैंडल होता है कि अब हमारा सिग्नल ंडल यहां पर मिलने वाला है और ग्रीन कैंडल के बाद कोई रेड कैंडल यहां पे बन गया इसका मतलब होता है कि इस ईएमए से रेड कैंडल रिजेक्ट कर रहा है और इसी रेड कैंडल पे हम लोग एंट्री बनाएंगे इसके सबसे नीचे जो लो होगा यहां पे हमारा क्या होगा एंट्री हो जाएगा और इसके पहले जो अलर्ट कैंडल था ये ग्रीन वाला इस कैंडल का ही हाई जो होगा वो हमारा एसएल हो जाएगा अब जस्ट मैंने यहाँ पे क्या बोला टारगेट कहाँ तक लेना है जहाँ तक ये दोनों ई एम ए आ रहा हो और कैंडल इस तरीका से बनते हुए आ रहा हो और कभी भी मार्केट कैंडल जो है इस ई एम ए के ऊपर यहाँ पे क्लोज कर दिया ग्रीन कैंडल बना के तो गाइज यहाँ पे आंख बंद करके एग्जिट कर देना है चाहे जितना भी पॉइंट हमको यहां पे मिले अब दोनों सेटअप को मैंने बहुत अच्छे तरीका से आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझाया अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डॉट लगे तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक बार दोबारा आप लोग जरूर देख लीजिएगा अब हम लोग जस्ट प्रीवियस डे का एग्जाम्पल यहां पे देखते हैं पहले सेल सेटअप को देख लेते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाय सेटअप को देखेंगे मैंने आपको बाय सेटअप और सेल सेटअप ये दोनों सेटअप को ऑलरेडी बता दिया अब हम लोग इंडिकेटर में चलते हैं इंडिकेटर कैसे लगाते हैं उसको देख लेते हैं फिर आपको मैं ट्रेड कैसे लेना है किस प्लेस पे बनेगा तो लेना है वो सब सारी चीज़ें आपको बताऊंगा यहां पर आना है आपको ये जो है मैं ट्रेडिंग मैं धान यूज करता हूं धान में ट्रेडिंग व्यू ऑलरेडी दिया हुआ है तो वहां पर यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप लोग ट्रेडिंग व्यू पर भी यूज कर सकते हैं यहां पर आपको जाना है इस मतलब सर्च बॉटम में जहां पर आप लोग यहां पर इंडिकेटर में दबाएंगे तो आपको ये आ जाएगा यहां पर आपको मूविंग एवरेज लिख देना है जैसे आप लोग मूविंग एवरेज लिखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए जो सेलेक्ट करना है ना वो ये वाला है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ठीक है ये वाला जो नीचे है ना ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये वाला इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है मैं क्या गया हूँ इसको सेलेक्ट कर चुका हूँ तो आपको यहाँ पे आ जाना है सेलेक्ट जैसे करेंगे यहां पे मैं मार्क कर देता हूं वो यहां पे आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपेन्शियल आपको लगा लेना है जैसे लगाएंगे इसके दो सेटिंग है सबसे पहला वाला को आपको क्लिक करना है देखिए इनपुट को मैंने पहला वाला को यहाँ पे ब्लैक ब्लू आपको जो लगता है बैकग्राउंड आपका जैसा है उसके अकॉर्डिंग मेरा व्हाइट है तो मैंने ब्लैक कर दिया ठीक है आप ग्रीन जो भी मन है वो रख सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है तो यहां पर मैंने इसको ब्लैक रख दिया है ठीक है इसके बाद क्या करना है एक चीज है और यहाँ पे इनपुट में आ जाना है इनपुट में सबसे पहला जो है यहाँ पे ई एम ए इसको नाइन कर लेना है ई एम ए यहाँ पे देखिए दूसरा कुछ रहेगा यहाँ पर आपको ई एम ए कर देना है और यहाँ पर भी देखिए ये नाइन ऑलरेडी किया हुआ है आपको बस पहला वाला को इतना ही करना है यहाँ पे कर देना ओके ये क्या करेगा लग जाएगा यहाँ पे अब दूसरा वाला ई एम ए भी आपको देखिए दिखेगा इसको सेटिंग को देख लेते हैं इसको भी उसी तरीका से लगाना है दो बार क्लिक करना है ये लग जाएगा दोनों और इसके बाद हम लोग इनपुट पे डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं तो लेंथ जो है इसका ट्वेंटी कर देना है ये क्लोज रहेगा सोर्स उसके बाद स्मूथिंग लाइन जो है इसी को हमको ई एम ए कर देना है उसके बाद नीचे जो स्मूथिंग लाइन है ये भी ट्वेंटी हो जाएगा अब इसका जो इन स्टाइल है ये स्टाइल इसको मैंने कर दिया है रेड ठीक है तो अब आपको समझ में आ गया जो ब्लैक वाला है वो नाइन ई एम ए है और जो यहाँ पे रेड वाला है ये वाला ये ट्वेंटी ई एम ए है सब समझ में आ गया यहां पे अब क्लिक कर देना है ये दोनों इंडिकेटर हमारे चार्ट पे आके लग जाएगा बस इतना ही करना है अब जो मैंने आपको सेल साइड के लिए सेटअप बताया है उसी सेटअप के अकॉर्डिंग देखिए ये ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी का ऑप्शन है गाइज ये जो है फिफ्टी का यहाँ पे पुट को मैंने लिया हुआ है ठीक है अब फिफ्टी थाउजेंड के पुट को अगर लिया हुआ है तो इसका मतलब होता है जब भी मार्केट ये वाली ग्रीन ये ब्लैक वाली जो लाइन है ये ई का नाइन ई है और जो रेड वाली लाइन है ये ई का ट्वेंटी ई है जब भी रेड वाली लाइन को नाइन ई वाली लाइन ब्लैक लाइन नीचे कर क्रॉस करता है तो यहाँ पर देखिए इसका व्यर्थ जो है ना ये बढ़ता चला जा रहा है मतलब एक बड़ा होता चला जा रहा है इसका मतलब ये होता है कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर डॉन है तो जब ये क्रॉस करेगा जहां पे क्रॉस किया है अच्छे तरीका से समझिए जहां पे क्रॉस किया है इसके बाद के मार्केट को हमको देखना है यहां पे नहीं देखना यहां पे आप सेल मत कर देना जहां पे क्रॉस किया है एक पहला कंफर्मेशन हमारा ईएमए देगा कि ये क्रॉस करेगा ठीक है अब इसको क्रॉस करने के बाद हमको अब देखना है इधर कोई भी ग्रीन कैंडल ठीक है ग्रीन कैंडल कब देखना है जब क्रॉस कर गया इसके बाद तीन से चार कैंडल पांच कैंडल कोई भी कैंडल बने कोई भी यहां पे रेड भी बन सकता है ग्रीन भी बन सकता है तीन चार पांच कैंडल बनना है इसके बाद हमको ग्रीन देखना है अब यहां पे देखिए ये ग्रीन कैंडल बन गया अब जैसे ये ग्रीन कैंडल बन गया तो ये कैंडल हमारा अलर्ट कैंडल हो गया समझ में आ गया आपको अलर्ट कैंडल अब जैसे अलर्ट कैंडल बन गया तो इसके बाद वाला कैंडल को देखेंगे ये रेड कैंडल बन रहा है या नहीं बन रहा है कभी कभी क्या होता है ये भी ग्रीन कैंडल बन गया तो कोई बात नहीं हमको बस उतना ही देखना है ग्रीन के बाद रेड बनना चाहिए चाहे यहां पर दोबारा ग्रीन बन गया वेट कर लेंगे फिर से रेड का वेट करेंगे रेड बन गया तब जाके एंट्री करेंगे ये जरूरी नहीं कि आमने सामने ही बने हो सकता है यहां पे दोनों ग्रीन बन जाए या फिर तीन ग्रीन बन जाए तो उसके बाद तो रेड बनेगा तो हम लोग जो पढ़ा देते हैं वही मत पढ़ लेना लेकिन आपको सिगमेंट यही दोनों खोजना है ठीक है

तीन चार बन गया तो यहां पे निकल सकते हैं लेकिन जब तक टच नहीं कर रहा है इस लाइन को आराम से बने रह सकते हैं गाइज आराम से और यहां पे क्लोजिंग का मैटर होता है क्लोज कर देता है इस नाइन के ऊपर तब हमको निकलना है टारगेट के लिए अब यहां पे एक एक्सेप्शनल केस है एक्सेप्शनल केस क्या है कि मैंने आपको बोला है कि जब यहां पे एंट्री बनता है तो जो अलर्ट कैंडल है उसके हाई पे स्टॉप लॉस हो जाएगा लेकिन यहां पे देखो समझने वाली बात और वो भी लाइव एग्जांपल आप लोगों को मैं दे रहा हूं कि ये जो रेड कैंडल बना हुआ है इस कैंडल का हाई ही जो है ना ये ग्रीन कैंडल के हाई से बड़ा है तो हमारा स्टॉप लॉस यहां पे यही वाला रेड कैंडल के हाई पे हो जाएगा यही वाला हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा अब हमारा एंट्री इसी रेट के पे हो जाएगा और टारगेट देखिएगा कम कम यहां, कि यहां, यहां, लोग यहां पर भी कंडीशन बन गया है। क्या मैं मार दू पे आप कर दोगे गए ना तो फिर रिटर्निंग भी कर देगा स्टॉप लॉस भी हिट कर देगा जो पढ़ाते हैं जितना बताते हैं उसको यूज करना है क्योंकि वन मिनट टाइम फ्रेम गाइज है यहाँ पे देख लो आप वन मिनट बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की है स्कॉल्पिंग है तो बहुत ज़्यादा रिस्की है एक मिनट में मार्केट पलट भी जाएगा एक मिनट में मार्केट टारगेट भी दे देगा तो सोच समझ के करना है ट्रिगर होने के बाद ये इंडिकेशन मिलने के बाद चार से पाँच कैंडल बनने देना है उसके बाद हम लोग को जो सेल सेटअप है वो देखना है अब बहुत लोग कहेगा हम लोग तो ऑप्शन बायर है यहां तो यहां पे सेल क्यों करे तो भाई आपको कौन बोलता है सेल करने आप यहां पे कॉल वाली ले लो ना पचास हजार का कॉल ले लो कॉल आप देख लो तो वो अगर ऊपर जा रहा होगा तो उसी में बाय साइड का आप यहां पे ट्रेड कर लो सीधी सी बात है यहां पे मैंने आपको बताया सेटअप बताया सिर्फ ठीक है यहां पे देखो आपको दो चीजें सीखने को मिलेगी यहां से मैंने जो आपको अभी बताया कि अगर ई आपस में इस तरीका से आमने सामने थोड़ा बहुत ऐसे चलता हो मतलब एक ही साथ थोड़ा बहुत मिलके इस तरीका से चलता हो मतलब आपस में डिस्टेंस कर नही करता हो ऐसा मतलब डिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसका मतलब होता है साइड वे जो चीजें आपको देखो यहां से लेके यहां तक मार्केट ऐसा ही कुछ करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा ठीक है मतलब ज्यादा बड़ा डिफरेंस यहाँ पे मार्केट नहीं बना रहा है और डिफरेंस आपको लगेगा कि बना रहा है तो मैंने क्या बोला जब भी मार्केट जैसे क्रॉस करता है मान के चलो यहां पर रेड वाली लाइन और ब्लैक वाली लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है तो तीन से चार का वीट भी तो करना है देखो क्या हुआ है क्या ऐसा नहीं हुआ है तो मतलब मतलब साइडवेज मार्केट को इंडिकेट कर रहा है ऐसे में आप लोग ट्रैप मत हो जाना ठीक है मैं क्लियर कट यहां पे साइडवेज का भी एग्जाम्पल आप लोग को दे दिया और दिखा दिया कहीं भी यहां पर भी देखो नीचे आया रेड वाला ई ब्लैक वाला ई एम रेड वाला ई एम का अब तीन से चार कैंडल यहाँ पे जैसे बना एक दो तीन और उसके बाद ये वाला चार कैंडल बना ये रेड के बाद ऐसा तो होगा नहीं यहाँ पे कंडीशन एक और है कि ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ये दोनों लाइन को ही टच कर दिया ई एम को मतलब पहला ब्लैक लाइन को और रेड लाइन को तो ये तो कोई मतलब रहा नहीं हमको क्या करना है दोनों लाइन को भी टच नहीं करना है ठीक है ये भी चीजें यही तो एडवांस है मैं बताने वाला हूँ लास्ट में इसको आप लोग थोड़ा सा देखो अब देखो मैंने जो आप लोग को सीनारियो बताया है जब मार्केट में यहाँ पे देखो क्या कंडीशन है रेड वाला ई एम ए लाइन नीचे है ब्लैक वाला ई एम ए लाइन यहाँ पे ऊपर है यहाँ तक मार्केट साइड है यहां तक मार्केट साइड वेज है लेकिन इसके बाद देखो ब्लैक वाला क्या कर रहा है डिस्टेंस बना रहा है ठीक है और यहाँ पे रेड वाला क्या कर रहा है ये भी डिस्टेंस बना रहा है मतलब इस टाइप से आपको एक बड़ा बड़ा यहाँ पे डिस्टेंस देखने को मिल रहा है अब जैसे डिस्टेंस मिल रहा है तो यहाँ पे तीन से चार कैंडल एक कैंडल दो कैंडल तीन कैंडल चार कैंडल बन गया चार कैंडल के बाद एक रेड कैंडल हम लोग देखेंगे अलर्ट कैंडल रेड कैंडल भी यहाँ पे बन गया है अब ये वाला रेड कैंडल इसमें टच कर रहा है नहीं कर रहा है कोई टच करने से कोई मतलब ही नहीं है इस पर दिमाग आप लोग खपत मत कर देना टच करे या ना करे कोई मतलब नहीं है अलर्ट कंडल हम लोग को देखना है रेड वाला अलर्ट कंडल मिल गया अब हमारा ये एक सिग्नल तो पहले यहाँ पे ये यह वाला दे दिया ये में लाइन ब्लैक लाइन रेड लाइन के ऊपर क्रॉस किया यहाँ पे पहला सिग्नल मिल गया ठीक है इसके बाद चार ही कैंडल नहीं बना यहाँ से यहाँ तक में दस कैंडल बन गया है मिनिमम मैं चार बोल रहा हूँ मिनिमम चार पांच उसके बाद छः सात आठ नौ दस बने कोई दिक्कत नहीं है मिनिमम चार से पांच कैंडल बनना चाहिए यहाँ पर तो आठ से दस कैंडल बन गया अब डिफरेंस क्या है कि ये वाला अलर्ट कैंडल भी हमको मिल गया ठीक है अलर्ट कैंडल जैसे मिला इसके बाद हमको ग्रीन कैंडल देखना है जो हमारे ट्रेड के लिए यहाँ पे होगा वैलिड अब ये ग्रीन कैंडल भी मिल गया इसके ऊपर हमारा क्या हो जाएगा एंट्री हो जाएगा और जैसे ही एंट्री हुआ अब स्टॉप लॉस का बारी अगर आता है तो नीचे में देखिए स्टॉप लॉस हम लोग कहाँ लगाएंगे यहाँ पर भी समझने वाली बात है कि रेड कैंडल का लॉ सबसे ज्यादा है ग्रीन कैंडल का लॉ इसके इससे कम है तो हम लोग क्या करेंगे रेड कैंडल के लॉ पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देंगे अब जैसे हमारा एंट्री हो गया जैसे हमारा स्टॉप लॉस हो गया अब हम लोग देखेंगे कि इसको राइड कहाँ तक करना है ऊपर देखते हैं कि ये कहाँ तक गया है देखो इसको राइड कहाँ तक करना है वो देखो पहले यहाँ पे देखो जैसे हमारा ट्रिगर हुआ ट्रिगर होने के साथ लॉस यहाँ पे मैंने दे दिया अब कोई भी लाइन देखो इस ईएमए जो ब्लैक वाली लाइन है नाइन ईएमए इसको टच भी नहीं कर रहा यहाँ पे टच किया है उसके बाद टच करके डायरेक्ट रिजेक्शन देखने को मिला टच कर रहा है तो भी आप निकल सकते हो या फिर कोई कैंडल नीचे क्लोज दे मेरे अकॉर्डिंग नीचे अगर क्लोज देता है तो ये बेस्ट एग्जिट का प्लेस है ठीक है यहाँ पे देखो ये वाला जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे ये वाला रेड लाइन परफेक्टली यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे अपने पोजिशन को यहाँ से एग्जिट कर देंगे अब आपको पॉइंट्स दिखाता हूं अगर आपने जस्ट मान के चलो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर में बाय किया है 99 इसका हाई है और हम लोग ने जो एग्जिट किया है वो यहाँ पे है 140 फोर्टी गाइज 40 पॉइंट का आपको 40 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे मिल गया कितना देर में वन मिनट का ये कैंडल है आप गिन ही लो ना तीन इतना चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह मिनट में सिर्फ आपको रहना पड़ा और आपको 40 पॉइंट यहां पे देके गया क्या चाहिए और गाइज आपको यहाँ पे एंट्री हुआ था लॉस में आपको दिखा देता हूं इस कैंडल का लो पे कितना लॉस होगा 100 पे हमारा एंट्री हो गया और लॉस यहाँ पे 92 है गाइज बड़े बड़े ट्रेडर यूज करता है ये स्ट्रैटी बहुत बड़ा मैं नाम किसी का नहीं लूंगा आप लोग देखते भी होंगे मे बी बहुत बड़े बड़े ट्रेडर जो है ना इसी को यूज करके वो लोग प्रॉफिट बनाते हैं और बहुत अच्छा डिसेंट प्रॉफिट बनाते हैं इसीलिए स्टॉप लॉस कम और टारगेट बढ़ा रहता है यहाँ पे देखो नाइन पॉइंट का ओनली स्टॉप लॉस है एट पॉइंट का हंड्रेड पे एंट्री नाइनटी टू का यहाँ पे लो है स्टॉप लॉस एटी पॉइंट का है और टारगेट देखो सिर्फ एक भी कैंडल आपने रुक गया ना मान के चलो हंड्रेड पे एंट्री हुआ सिर्फ ये कैंडल आपने रुक

अब बाय साइड और सेल साइड दोनों बताने के बाद फिर से आपको मैंने यहाँ पे साइडवेज वाली कंडीशन बता दिया मतलब तीनों कंडीशन आपको यहाँ पे मैच करा दिया वो भी ऑप्शन में पचास हज़ार का पुट को लेके, ठीक है अब जहां पे मैंने बाय किया है वहां पर आराम से बाय होगा जो मैंने सेल के लिए बताया है इसका मतलब है पुट अगर नीचे जा रहा है तो कॉल वहां पे आपको पोजीशन बना के दे रहा होगा जहां पे आप कॉल में एंट्री कर सकते थे और बहुत अच्छा अप साइड के लिए बाय साइड के लिए यहां पर पोजीशन बना सकते थे ठीक है तो मैंने आपको टोटल चीज यहां पर कवर किया अब देखो एडवांस चीजें जो मैं अभी बात कर रहा था कि लास्ट में बताऊंगा वो क्या है अभी मैं आपके सामने रिवील करता हूं एडवांस वो है कि गाई जब भी मार्केट ट्रेंडिंग अप होता है जैसे कि ये वाला दोनों ई एम क्रॉस करके ऐसे जा रहा है ठीक है और कैंडल यहां पे बनना स्टार्ट कर दिया इस तरीका से जो भी कैंडल यहां पे बन रहा है इस तरीका से बनता हुआ चला चल गया और यहां पे उसके बाद एक अलर्ट कैंडल मिला फिर हमारा एक ग्रीन कैंडल यहां पे मिला एंट्री हो गया इसके बीच में जितने भी कैंडल यहां पे बनेगा इस क्रॉस के बाद मैक्सिमम टाइम कभी कभी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि जो भी कैंडल बन रहा है वो इस ईएमए एम ए नाइन ई और ये ट्वेंटी ई एम ए दोनों को नहीं टच करता है कभी भी इस दोनों को टच करते हुए नहीं बनता है अगर ये आपके फेवर में है और आपको सिग्नल मिल गया बाय साइड के लिए या फिर सेल साइड के लिए ऐसे आपने देखा दोनों में इस तरीका से जा रहा है डिफरेंस बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे सेल साइड के लिए भी सिग्नल मिल सकता है और गाई इस दोनों लाइन को मतलब इस ई एम ए को और इस ई एम ए को कोई भी कैंडल इस तरीका से दोनों आपस में दोनों मैच नहीं करता हो दोनों नहीं मिलता हो तो आपकी जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो जाएगी 100 और मैंने जितने भी एग्जाम्पल अभी आपको दिया है किसी में ये दोनों नहीं मिल रहा है आप देखो कोई भी कैंडल मैं आपको अभी दिखा देता हूं जो मैंने बताया था आपको एक्सेप्शनल है देखो इस क्रॉस के बाद ठीक है कोई भी कैंडल ऐसा नहीं है जो इस यहां पे ब्लैक लाइन को और रेड लाइन को इस तरीका से मैच करता हो दोनों लाइन को कोई भी कैंडल ऐसा नहीं है और मैंने जहां पे बाय साइड के लिए बताया था आप देखो यहां पे जैसे यहां पे क्रॉस किया ये तो बहुत पहले यहां पे क्रॉस कर दिया था और जहां से हमारा सिग्नल बना मतलब यहां से हमारा सिग्नल मैच किया जहां पे एंट्री हम लोग ने बनाया यहाँ पे तो तीन से चार कैंडल यहां को अगर कंसीडर करेंगे तो देखिए ये भी लाइन यहाँ पे इसको टच नहीं किया है कभी कभार में भी एक कैंडल टच कर जाए कर जाए लेकिन नहीं करता है ये भी देखो क्लियर यहां पे टच नहीं है ठीक है मैं बड़ा करके दिखा देता हूं बहुत लोग कंफ्यूज कर ये देखो यहां पे क्लियर आपको दिख रहा होगा रेड ये वाला में ईएमए में ये वाला लाइन जो है टच नहीं है और कोई भी लाइन इस दोनों लाइन को टच नहीं कर रहा है कोई भी लाइन तो ये आपके फेवर में है ये एक्सेप्शनल है जहां पे ये लाइन टच करेगा मतलब ये सिग्नल गलत है इधर भी आप देख लो ना जहां भी ये टच करेगा यहां पे देखो जब हमारा यहां पे सिग्नल आता है सबसे पहले प्रीवियसली देख लेते हैं कुछ लोग यहाँ भी बोल देगा कि ये वाला बन गया अलर्ट कैंडल बन गया अलर्ट कैंडल बना उसके बाद ग्रीन कैंडल बना ही नहीं एंट्री कैंडल तो यहाँ पे मतलब ही नहीं है गाइस यहाँ पे दोनों टच भी कर रहा है लेकिन इसके बाद नहीं कर रहा है यहाँ पर देखिए इसके दोनों को टच कर दिया कोई मतलब नहीं है फिर से अगेन हमारा ये वाला रेड रेड वाला ई एम ए और ब्लैक वाला ई एम ए एक दूसरे को क्रॉस किया मतलब ये वाला क्रॉस लाइन है पहला सिग्नल मिल गया दूसरा हो गया कि तीन से चार कैंडल यहाँ पे बन गया चार कैंडल बनने के बाद यहाँ पर भी हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं नहीं है तो आप ये वाला अलर्ट कैंडल के बाद जो है ना आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं ठीक है तो मैं जो हूँ आपको यही बताऊंगा एक दो तीन चार कैंडल बन गया ये अलर्ट कैंडल भी है और इसके साथ साथ ये ग्रीन कैंडल पे एंट्री हो गया और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और उसके बाद टारगेट हमको कहाँ निकलना है वो तो मार्केट खुद बताएगा अब यहाँ पे देख लो मैंने क्या बोला है जब नीचे क्लोज हो जाए आपका एंट्री कहाँ पे एंट्री यहाँ पे है आपको नीचे क्लोज कहाँ पे मिला यहाँ पे मिला मार्केट का अब आप खुद देख लो कि स्टॉप लॉस कितना है टारगेट कितना है इसी कैंडल का यहाँ पे ये रेड वाला कैंडल नीचे है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस इसका लो जो है 58 है इंट्री हमारा हो जाएगा 62, टू फोर पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे है फोर पॉइंट का स्टॉप लॉस ठीक है अब हम लोग ने एंट्री कितना पे बनाया यहाँ पे बनाया है हम लोग ने एंट्री सिक्सटी पे अब गाइस सिक्सटी टू अगर एंट्री हमारा यहाँ पे बन गया है तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सिक्सटी टू से हमारा टारगेट कहाँ पे दिया निकले हम लोग हैं यहाँ पे सिक्सटी टू से एट्टी गाइज सिक्सटी टू से एट्टी मतलब एटीन पॉइंट और स्टॉप लॉस कितना है फोर पॉइंट फोर वन इज टू फोर का यहाँ पे रिक्स रिवार्ड हो गया गाइज वन इज टू फोर अब जैसा आप लोग लोगे जैसे कि मैंने यहां पे 60 50 वाला स्ट्राइक प्राइस को चूज़ किया है हो सकता है आप जब ट्रेड कर रहे हो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है आपको मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो दे के बना चुका हूं ठीक है अगर ज़्यादा समझ नहीं आता है तो मार्केट जहां पे चल रहा होता है उसी के ऊपर जो भी इन द मनी होता है या एट द एट द मनी आप ले लो जहां पे चल रहा होता है वही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लो ठीक है डायरेक्ट इसमें आपको लॉस नहीं होगा तो जो स्ट्राइक प्राइस यहां पर चल रहा होगा मान के चलो कि वो वन चल रहा है तो इसमें आपको ट्वेंटी थर्टी पॉइंट का रिक्स मिलेगा और टारगेट भी आपको लगभग एट्टी नाइन्टी पॉइंट का मिलेगा ठीक है तो इस तरीका से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो मैं जितना भी एग्जाम्पल दूंगा जो स्ट्रैटी बताया गाय आप लोग बताना कि क्या ऐसे एडवांस स्ट्रैटी जो मैंने एडवांस में बताया वो चीज़ें आपको कोई नहीं बताया होगा कोई बताया नहीं होगा पूरा यूट्यूब पे नहीं होगा वो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है मैंने जो ऑब्जर्व किया है मैंने जो ट्रेड करके गलतियां किया उससे जो निचोड़ आया है वो चीज़ें मैंने आप लोग को दिया है तो ये स्ट्रैटेजी को वायरल करना आपका काम है जो लोग अभी तक गलत ट्रेड कर रहे हैं बार बार स्टॉप लॉस हंट करा रहे हैं तो कम से कम आपका काम है कि शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ये उन लोगों तक पहुंच पाए जिसको इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और आजकल के साइडविज मार्केट में यही स्ट्रैटी काम करता है इसी पे मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूं मैं ये भी सोचा कि आप लोग के लिए स्ट्रैटी बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत लोग लॉस करते हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गाइज तो इसीलिए स्ट्रैटी को फ्री में अवेलेबल है सब लोगों के साथ शेयर कीजिए सब लोग इससे बेनिफिट ले पाए तो गाइज उम्मीद करते हैं कि स्ट्रैटी बहुत ही पसंद आया होगा आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जो चीजें आपको पूरी यूट्यूब से अलग लगा हो इसमें ठीक है ताकि मुझे भी पता चले कि स्ट्रैटेजी कैसा लगा और कैसा बेनिफिटेबल आपके लिए हो रहा है